आपका क्वेश्चन है, मनु एंड आइजा आर कंपीटिंग इन 60 किलोमीटर साइकिलिंग रेस। आइजा एवरेज स्पीड इज 10 किलोमीटर पर आवर, ग्रेटर देन मनुज एवरेज स्पीड, एंड शी फिनिशेज द रेस इन आवर लेस देन मनु। फाइंड द टाइम टेकन बाय मनु टू फिनिश द रेस। तो देखो इसने क्या बोला है, तो हमारे पास में टू फ्रेंड्स है। कौन कौन है? फर्स्ट इज मनु, सेकेंड इज आइजा। देर आर टू फ्रेंड्स। नाउ ये क्या कर रहे हैं? कॉम्पीट कर रहे हैं इन साइकिलिंग रेस। तो डिस्टेंस दे हैव गिवन यू 60 किलोमीटर्स पर 60 किलोमीटर। तो नाउ यहां पर आपको लिखना है डिस्टेंस। तो दोनों का डिस्टेंस इज सेम है ना, डेस्टिनेशन सेम रहेगा। तो यहां पर हो गया ये 60 किलोमीटर्स और ये भी हो गया आपका 60 किलोमीटर्स। नेक्स्ट इसने क्या दिया है? एवरेज स्पीड। एजाज एवरेज स्पीड इज 10 किलोमीटर्स ग्रेटर देन मनुज एवरेज स्पीड। तो मनु का एवरेज स्पीड हमको नहीं पता, तो वी विल टेक मनु का एवरेज स्पीड एज एक्स। तो नाउ एवरेज स्पीड, तो सबसे पहले आपने मनु का ले लिया एक्स किलोमीटर्स पर आवर, और एजा का कितना हो गया? देखो एजा से एवरेज स्पीड इज 10 किलोमीटर ग्रेटर, दैट मीन्स एक्स प्लस 10। तो ये आपका हो गया एक्स प्लस 10 किलोमीटर्स पर आवर। ठीक है, यहां पर हम फॉर्मूला क्या लगाएंगे? टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड है ना। हमारा होता क्या है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। ठीक है, तो टाइम क्या हो जाएगा आपका, इसको चेंज कर दो इंटरचेंज। तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। और क्या करेंगे, दोनों को इक्वेट करेंगे। ठीक है, तो हमने क्या किया, सेम किया। तो डिस्टेंस यहां पर देखो कितना आ रहा है, 60 बाई एक्स, और यहां पर क्या आ गया, 60 बाई एक्स प्लस 10। दोनों को इक्वेट करना है। तो कैसे इक्वेट करेंगे? देखो यहां का स्पीड इज लेस, तो स्पीड लेस होगा तो टाइम इज मोर, टाइम इज मोर। यहां पर है स्पीड इज मोर तो टाइम इज लेस। तो अब देखो कहां पर क्या ऐड करना है। तो दे हैव गिवेन यू आवर, आवर मीन्स वन। तो वन या तो ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है। तो कैसे? तो यहां पर टाइम इज मोर, तो यहां पर करेंगे -1। सिंपल, अब दोनों का एवरेजिंग हो गया है ना, दोनों इक्वेट हो गए। अदरवाइज क्या करना है आपको, अगर यहां पर -1 नहीं लिखना है तो यहां पर लिखना है +1। सेम सेम चीज है, तो +1 को इस साइड में लेकर आएंगे तो -1 हो जाएगा। अब यहां पर आपका देखो कैसे आ रहा है, ये पी बाई क्यू फॉर्म में है, ये नहीं है, तो इसको भी पी बाई क्यू फॉर्म में लिख लो। तो नाउ यहां पर आपको क्या करना है, एलसीएम। तो एलसीएम इज एक्स, तो एक्स एक्स में 1 टाइम जा रहा है तो ऊपर आ जाएगा 60 माइनस x 1 में एक्स टाइम, तो इंटू एक्स, तो एक्स इंटू वन इज एक्स इज इक्वल टू 60 बाई एक्स प्लस 10। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो देखो क्या आएगा। तो 60 इंटू एक्स इज 60x, 60 इंटू 10 इज 600। अब माइनस से करो, -x इंटू x इज -x2, -x इंटू 10 इज -10x इज इक्वल टू 60 इंटू एक्स इज 60x।
तो ये देखो ये और ये गया है ना, अगर इसको इस साइड में लेकर आओगे तो इट विल बी माइनस 60, तो ये आपका चला गया। अब यहां पर देखो माइनस एक्स स्क्वायर नेगेटिव है, तो दैट मीन्स हमको इसको इस साइड में लेकर आना है, पूरा साइन चेंज करना है, तो इट विल बी एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 600 इज इक्वल टू जीरो। अब आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करनी है, तो 600 के फैक्टर्स, तो 600 के फैक्टर्स क्या हो गया हमारे 20 × 30 = 600 है ना, 20 × 30 = 600, लेकिन यहां पर है प्लस 10, तो क्या करेंगे हम लेंगे प्लस 30 और माइनस 20, तो ये आपको मिडिल टर्म में लिखना है, तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 30x माइनस 20x माइनस 600 इज इक्वल टू जीरो। दोनों में क्या कॉमन है, x इज कॉमन, तो यहां पर आ जाएगा x प्लस 30 और यहां पर क्या आ जाएगा माइनस 20 इज कॉमन, तो अगेन x प्लस 30 इज इक्वल टू जीरो। तो नाउ दो फैक्टर्स आपके क्या हो गए, x प्लस 30 और सेकेंड इज x माइनस 20 इज इक्वल टू जीरो। तो अब आपका क्या आ जाएगा x प्लस 30 इज इक्वल टू जीरो और x माइनस 20 इज इक्वल टू जीरो, तो x इज इक्वल टू माइनस 30 और x इज इक्वल टू 20, ठीक है। तो यहां पर देखो आपका x है क्या, वॉट इज x, तो x वी हैव टेकन एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड आपका नेगेटिव नहीं हो सकता, तो आपको इसको नेगलेक्ट करना है, तो आपका एवरेज स्पीड इज 20 km/h, लेकिन ये x किसका है, मनु का, तो वी कैन से मनुस एवरेज स्पीड, ठीक है, एवरेज स्पीड इज 20 km/h, लेकिन क्वेश्चन में इसने क्या पूछा है, फाइंड द टाइम टेकन बाय मनु टू फिनिश द रेस, टाइम बताना है आपको, तो टाइम का फॉर्मूला इज दिस, तो क्या हो जाएगा टाइम, मनु का टाइम कितना हो जाएगा, मनु तो डिस्टेंस, डिस्टेंस इज 60 एंड द स्पीड इज 20 है ना, 20 है, तो क्या हो गया आपका 0-0 कट, तो दिस इज इक्वल टू वी कैन से 3 आवर्स, तो मनु का 3 आवर्स है, तो एजा का कितना है, तो देखो x प्लस 10, तो एजा का कितना हो जाएगा 60/30 दैट इज इक्वल टू 2 आवर्स, तो एजा का 2 आवर्स है, मनु का 3 आवर्स है, ठीक है। तो देखो इसने बोला भी है एंड शी फिनिशेस द रेस इन आर लेस देन मनु, तो 1 आवर इज लेस,